हेलो स्टूडेंट आई एम कविता योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई एम हेयर विद चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल पार्ट टू सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो मृद्यु क्रैप्ट अप टू द विंडो मृद्यु धीरे से विंडो के पास आई लाली बस सीटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे लाली वहाँ से कुछ दूरी पर बैठी थी ऑकवर्डली हॉल्डिंग हर वॉयन एंड बोस्टरिंग्स और उसने बुरी तरह पकड़ रखा था अपने वायलिन को और उनकी तारों को हरिल एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आइज़ ग्लैस्ड विद कंसनट्रेशंस उसकी जो एल्बो थी उसकी जो कोहनी थी जस्टिंग आउट बाहर की तरफ निकली हुई थी हैंड आइज़ ग्लैस्ड विद कंसन्ट्रेशंस और उसकी आँखें जो थी वो ध्यान में जो लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो और उसके सामने जो क्या थी विद मोस्ट ऑफ़ हर बैक उसकी जो अधिकतर उसकी जो कमर थी टू द विंडो खिड़की की तरफ थी वोज द बोनी फिंगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर वो कौन था वो हड्डियों से भरा हुआ बोनी फिगर मतलब जो हड्डियों से भरे फेस का म्यूजिक मास्टर था ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हैड विद अ फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर और क्या था उसका जो अधिकतर जो सिर था वो क्या था गंजा था विद फ्रिंग फ्रिंग मतलब कि किनारी पर ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर तेल लगे हुए तेल से जो सने हुए काले रंग के बाल थे फॉलिंग अराउंड हिज ईयर जो कि उसके कानों की तरफ जो है बिखरे हुए थे एंड ओल्ड फैशन टफ एक जो पुराने तरह के पुराने फैशन की तरह टफ uh, होता है गुच्छे गुच्छे के रूप में अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लैद्रीन और एक सोने की जो चेन थी वो चमक रही थी उनकी लैदरी नेक मतलब कि चमड़े से यानी कि काफ़ी मोटी जो उनकी गर्दन थी उसके ऊपर एंड डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन और क्या था और एक डायमंड की रिंग थी जो उनके हाथों में चमक रही थी जब वो क्या कर रहे थे ऊपर और नीचे उन तारों पर अपने वायलिन के तारों पर अपने हाथों को लेकर जा रहे थे अ लार्ज फूट स्टॉक आउट फ्रॉम बैंथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वस्ती एज और उसके उसका जो एक बड़ा सा पैर था वो उसके सुनहरे रंग के बॉर्डर वाले धोती के नीचे से निकला हुआ था एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्कॉर्नी बिग डॉय और वो क्या कर रहे थे वो टाइम टाइम पर यानी कभी कभार वो अपने पैर के उस पतली सी बड़ी उंगली से फ्लोर पर जो है बीट कर रहे थे उसको फ्लोर पर अपने पैर को मार रही थी ही प्लेड अ फ्यू नोट्स उसने कुछ जो है नोट्स बजाए या कुछ उसने जो है स्वर उत्पन्न किए लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन और लाली जो है घबराते हुए उसके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रही थी किसके साथ अपने वायलिन के साथ विच लुक लाइक सॉरी विच लुक क्वाइट हेल्पलेस जो कैसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही असहाय और अनहैपी मतलब लग रहे थे इन हर हैंड उसके हाथ में मतलब जो वायलिन था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि अच्छी तरह से वो नहीं बजा पा रही है उसके हाथों में वॉट आर डिफरेंस क्या अंतर था द म्यूजिक मास्टर्स नॉट सेम टू फ्लॉट अप एंड सेटल परफेक्टली इन द इन विजिबल ट्रैक म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे वो बड़े ही आराम से जो क्या है फ्लॉट कर रहे थे बह रहे थे और बिल्कुल परफेक्ट परफेक्शन के साथ या सही तरह से जो है वो अपने ट्रैक पर या अपनी लाइन के ऊपर जो है चल रहे थे इनविजिबल ट्रैक यानी कि अदृश्य जो पटरी है उसके ऊपर वो चल रहे थे ऑफ द मेलोडी मतलब एक सुंदरता के साथ मतलब कि जो म्यूज़िक मास्टर जैसे बजा रहा था वॉयलिन को वो बड़ा ही सुंदर बज मतलब आवाज़ आ रही थी इट वॉज़ लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल एंड विजिंग एलोन और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि क्या है कि जैसे ट्रेन के जो व्हील हैं यानी कि ट्रेन के रेलगाड़ी के जो पहिए हैं वो बड़े ही आराम से बिना कोई मतलब प्रभाव के वो जो क्या है बिना कोई जो है जोर के वो आराम से जो क्या है पटरी के ऊपर जो चल रहे हैं एंड विजिंग अलोन मतलब उसके साथ साथ एज रवि सैड रवि ने ये कहा जैसे ही रवि ने ये बात कही मृदु स्टेड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलें स्टीन और मृदु फेर जब रवि ने ये बात उसको कही तो मृदु उसको ध्यान से देखने लगी उस बड़े से बीरिंग्ड मतलब कि अंगूठी को पहने हुए उस हाथ को मूविंग एफर्टलेसली मतलब कि जो बिना कोई परेशानी के जो मूव हो रहा था अप द वायलें स्टीम कहाँ पे वॉयन के उन तारों पर मेकिंग लवली म्यूजिक और जिससे क्या है बड़ा ही सुंदर म्यूजिक जो है जो सुन सुनाई उन्हें दे रहा था स्क्वैक देर वॉज लालीज डी रेलिंग अगेन और फिर से एक आवाज़ आती है जो वायलिन की स्क्वैक की और यहाँ पे जो लाली है डी रेलिंग अगेन डी रेलिंग अगेन मतलब पटरी से उतर जाना है यानी कि सही तरह से वो नहीं बजा पा रही है अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट अम्मा ओ तो जो अम्मा की आवाज़ है वेल मतलब कि एक जो पुकार है वो दरवाजे से गेट से आ रही होती है अम्मा ओ अम्मा रवि सैंड दैट बैगो रवि क्राइड मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा वेअर सी वॉज चैटिंग और जो उनकी रवि की जो माँ हैं या उनकी जो मम्मी हैं वो कहाँ से वरेंडा में जो पीछे वो बैठी हुई हैं और किन के साथ चैट कर रही है वो वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी जहाँ वो तापी के साथ जो है वो क्या कर रही है चैटिंग कर रही है बातचीत कर रही है तो वहाँ से वो रवि को आवाज़ लगाती है कि सैंड दैट बैगरवे उस भिखारी को वहाँ से भेज दो He has been coming here every day for the past week. वो पिछले सप्ताह से यहाँ हर रोज आ रहा है And at time he found another house to beg from. और अब ये समय आ गया है कि उसको जो है दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए बीक मांगने के लिए Pati एक्सप्लेन to Tapi. Pati ये बात किसे कह रही है Tapi को कह रही है ये बात ठीक है मृद्यु and Meena followed Ravi out. मृद्यु और Meena भी जो है रवि के साथ साथ बाहर आ जाते हैं द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन बैगर जो है अभी भी कहा है गार्डन में है पहले ही आ चुका है गार्डन में making himself quiet at home. और उसने अपने आप को अच्छे से जो है घर के अंदर मतलब आ, अपने आप को चुपचाप वहां बैठा है अंदर ही हार्ड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री और उसने क्या किया अपने ऊपर वाला जो क्लॉथ या आप जिसको आप अंगरखा कह सकते हैं अंगोछा कह सकते हैं उसको उसने क्या किया नीम के पेड़ के नीचे उसने उसको क्या कर दिया स्प्रेड uh, कर लिया उसको बिछा दिया एंड वो लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक और वो क्या कर रहा है अपने आप को अपनी जो कमर को उसने ट्रंक के यानी पेड़ के तने के साथ उसने उसको टिका कर वहाँ बैठा है अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटल स्नो वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म टू अपील और वो स्पष्ट रूप से वो क्या चाहता है उसकी तैयारी कर रहा है प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी कर रहा है किसकी टू टेक अ लिटल स्नोज ताकि वो छोटी सी झपकी झपकी ले सके यानी थोड़ी देर सो सके वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म टू अपियर अलार्म मतलब भीख जो भी है जबकि वो प्रतीक्षा कर रहा है जब तक उसको भीख मिले तब तक वो लेना चाहता है कि वो एक झपकी वहाँ ले ले उस नीम के पेड़ के नीचे गो अवे सैड रवि स्टर्नली रवि ने बड़े रूखे रूप से या गुस्से के साथ कहा चले जाओ यहाँ से माई पाती सेज एट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम मेरी पाती कहती है कि अब जो है टाइम आ गया है कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड भिखारी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें जो है बड़ी खोली एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन और उन सभी बच्चों को जो तीन बच्चे वहाँ खड़े थे उन सभी बच्चों को वन बाय वन वो जो है देखने लगा द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन वॉइस चॉकड विद फीलिंग और वो कहता है कि इस घर की जो औरतें और उसकी आवाज़ जो है जैसे रुक जाती हैं उन भावनाओं के साथ मतलब एकदम से वो जैसे उस दर्द के साथ करुणा के साथ उसकी आवाज़ होती है आर वेरी काइंड सोल वो बड़ी ही क्या हैं पवित्र आत्माएं हैं कि इस घर की जो औरतें हैं वो बड़ी ही पवित्र आत्माएं हैं आई हैव कैप्ट माई बॉडी एंड शॉल टुगेदर ऑन देयर जनरेसिटी फॉर अ होल वीक उनकी उदारता के कारण ही मैं जो है कैप्ट माई बॉडी एंड शोल यानी कि मैं जीवित रह पाया हूँ यानी दोनों को एक साथ रखना यानी कि मैं जीवित रह पाया हूँ उनकी दया के कारण ही पूरे हफ्ते पूरे वीक आई कॉन्ट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो मुझे जो है यहाँ से जाने के लिए कहेंगी ही रेज हिज वॉइस अब उसने अपनी आवाज़ को और ऊँचा किया अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी और बिल्कुल जैसे उसकी आवाज़ कैसी थी उदासी से भरी हुई थी उसने फिर से करुण पुकार करी बट इट सर्टनली वॉज नॉट फीबल लेकिन उसकी आवाज़ अब बिल्कुल जो है धीरे नहीं थी फीबल यानी कमजोर प्रतीत नहीं हो रही थी इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल और वो बड़ी ही गहरी और तेज स्ट्रोंग जो लग रही थी समवेयर इन हिज विदर्ट वैली जो कहीं से उसके जु, जो झुर्रीनुमा जो पेट से निकल रही थी एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ और उस जो है किसके साथ उस कंपन के साथ बूमिंग के साथ जो है उसके मुंह से निकल रही थी वो विद इट्स few remaining teeth stained brown with बिटल chewing जहाँ पर जिस मुँह में उसके क्या थे उस गूंज के साथ वो निकल रही थी बूमिंग यानी गूंज को कह सकते हैं हम गूंज के साथ निकल रही थी जहाँ क्या थे उसके कुछ दांत थे उसके मुँह में और जो दांत जो है उनके ऊपर स्टेन धब्बे को बोलते हैं यानी कि उसके जो दांत थे वो ब्राउन कलर के उनके ऊपर धब्बे थे जो कुछ बचे हुए दांत थे उनके ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे थे विथ बिटल चुन जो किससे बन गए थे यानी पान के चबाने से हो गए थे रवि टेल हिम देर आज नथिंग लेफ्ट इन द किचन रवि ने कहा सॉरी रवि टेल्स हिम। रवि से कह दो देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कि किचन में या रसोई घर में कुछ नहीं बचा है कार्ड रुकमनी रुकमनी ने आवाज़ दी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन और वो यहाँ पर दोबारा नाई टेल हिम दैट उसे ये बात जो है तुम बता दो सी साउटेड फैड अपी साउंडेड फैडअप और जो है वो क्या कहती है सी साउंडेड अप जैसे कि ऐसी इस टाइप से आवाज़ आ रही है जैसे कि वो उससे तंग आ गई है रवि डिडन्ट हैव हाँ टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर रवि ने क्या किया रवि डिडन्ट हैव हाँ टू रिपीट रवि ने उस चीज़ को जो भी उसकी माने उसे कहा था कि इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो तो ये बात उसने बैगर के सामने रिपीट नहीं की वट इज़ मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ओल टू हीर क्योंकि जो उसकी माँ ने उसे कहा था वो बैगर ने वहाँ से इजिली सुन लिया था वो सुन सकता था वहीं बैठे बैठे दे आर अंडर द नीम ट्री उस पेड़ के नीम के नीचे द बैगर सेट अप एंड साइड बैगर जो है बैठ गया ठीक है एंड साइड मतलब कि आहा भरता है वो दुख से आई विल गो आई विल गो ही सैड वियरली वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा मैं चला जाऊँगा और किसके साथ वो एक बड़े दर्द के साथ वो ये बात कहता है ओनली लेट मी अ रेस्ट हेअर अंडर दिस ट्री केवल मुझे यहाँ कुछ समय के लिए आराम करने दो इस पेड़ के नीचे द सन इज़ सो हॉट और जो क्या है सूरज जो है काफ़ी गर्म है द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड और जो टार है यानी जो तारकोल है वो रोड पर जो है वो पिघल गया है द सन इज़ सो हॉट क्योंकि क्या था सूरज जो है काफ़ी गर्म है यानी गर्मी का टाइम चल रहा है माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मेरे जो पैर हैं वो पहले से ही जो है ब्लिस्टर्ड मतलब उनमें छाले पड़े हुए हैं ही स्टैच आउट हीज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स और वो अपने पैरों को आगे की तरफ जो फैलाता है दिखाने के लिए अपने गुलाबी और छिले हुए उन जो है छालों को ऑन द सोल ऑफ हिज बियर फिट अपने नंगे पैरों के सोल के ऊपर या अपने नंगे पैरों के जो है तलवे में आई सपोज ही हैव द मनी टू बाय चप्पल मैं सोचती हूँ कि इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि मृदु ने मृदु ने फुस फुसाती हुई ये बात किसे कही मीना और रवि को कही हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर क्या हम दे सकते हैं इसको कोई पुरानी जो पेयर या एक चप्पल का जोड़ा घर में से जो कहीं पड़ा हो आई डोंट नो सैड रवि मैं नहीं जानता रवि ने कहा माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट मेरी तो काफ़ी छोटी चप्पल हैं जो कि क्या होगा इसको फिट नहीं आएंगी और आई हार्ड हैव गिवन दैम टू हिम नहीं तो मैं इसको आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम मैं इसको दे देता ही एंड हिज़ फिट वर लार्जर देन मृद्युज एंड मीनाज और उसके पैर बड़े हैं किसे मृद्यू और मीना के पैरों से भी द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती अब बैगर ने क्या किया अपना जो अपर क्लॉथ है उसको हिलाया शेक किया झड़काया एंड टाइटनिंग हिज धोती और अपनी धोती को क्या किया उसने टाइट किया ही रेज हिज आईज एंड लुकड फियरफुली एट द रोड और उसने क्या किया अपनी आँखों को ऊपर उठाया या ऊपर की तरफ उसने देखा एंड लुक फियरफुली एट द रोड और एक डरते हुए ढंग से उसने जो है सड़क की तरफ देखा ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट जो कि बिल्कुल चमक रही थी किससे जो है आफ्टरनून हीट यानी कि दोपहर की गर्मी से ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट उसको ज़रूरत है कुछ अपने पैरों के लिए मीना सैड हर बिग आइज फीलिंग और मीना ने कहा यह बात अपनी बड़ी बड़ी आ, या अपनी आंखों में आंसुओं के साथ यानी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई इट्स नॉट फेयर ये ठीक नहीं है शो सैड रवि रवि ने कहा कि चुप हो जाओ आई एम थिंकिंग अबाउट इट मैं इसके बारे में सोच आ, स, आ, सोच रहा हूँ ब्लबरिंग एट्स नॉट फेयर और फिर से हुए वो कहती है कि इट्स नॉट फेयर ये अच्छी बात नहीं है अच्छी बात नहीं है इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प कि हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हीज फीट ऑन दैट रोड कि दो मिनट के अंदर क्या होगा कि उसके जो पैर हैं वो कहाँ होंगे फ्राई हो जाएंगे मतलब कि उसके पैर और जल जाएंगे कहाँ रोड के ऊपर वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल क्या ज़रूरत है उसको कि सिर्फ क्या है एक जो जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत है सो वेयर डू वी गेट दम तो हम उनको कहाँ से लेकर आएँ कम लेट्स सर्च द हाउस आओ हम घर में उसको तलाशेंगे he pushed mridu and meena into the house wo jo hai mridu aur meena ko ghar ke andar le jata hai just as she stepped into the veranda mridu's eyes fell on the odd looking chappal और जैसे ही वो घर के वरंडा के अंदर वो कदम रखते हैं मृदु की जो आंखें हैं वो या मृदु का जो नज़र है वो कहाँ पड़ती है उसी जो अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ती है सी हैड नोटिस वैन सी जिसको उसने नोटिस किया था या जिसको उसने देखा था जब वो घर के अंदर आई थी रवि सी विस्पोर्ट टू हिम हुज आर दोज उसने रवि को धीरे से कहा कि रवि ये किसकी हैं रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग रवि मुड़ा और उसने देखा उस गंदी से दिखने वाली चप्पलों को बट ओल्ड स्लीपर लेकिन थोड़े मजबूत थे वो पुराने जो स्लीपर्स थे ही बीम्ड एंड नोडेड और उसने क्या किया उसकी जो जो है उसने खुश हो गया वो एंड नोडेड और उसने अपनी गर्दन हिलाई दीज आर जस्ट द राइट साइज और ये बिल्कुल सही साइज़ है उसके लिए ही साइड उसने कहा पिकिंग नाम आप उसको उठाते हुए मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन और मृदु और मीना ने भी जो है उसको फॉलो किया और उदासी के साथ कहाँ पे वापस गार्डन में जाते हुए सो स्टूडेंट दिस इज़ पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो